राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों से गुजर रही पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में खत्म होने के बाद फिर तापमान में गिरावट हो रही है। समूचे उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया है। अल सुबह और शाम सड़कें सूनी नजर आने लगी है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रही। सर्दी के तेवर तीखे होने से ठिठुरन और गलन अचानक से बढ़ गई है। जयपुर, अलवर, बाड़मेर समेत 12 शहरों में शुक्रवार को सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। हिल स्टेशन माउंट आबू में बर्फ की परतें जम गई। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी भारत में आने वाली इन सर्द हवाओं का असर अगले 2 दिन और रहेगा। मौसम बिल्कुल साफ रहने से तापमान में गिरावट रहेगी और ठंड का असर बढ़ेगा। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल के मरीज भी अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर संभाग के कई जिलों के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रही। तो चले जानेंगे कि राजस्थान के श्रीगंगानगर और सरदार शहर में आखिर किस तरीके से सर्दी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है और क्या कुछ फसलों को लाभ और नुकसान इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के लिए श्रीगंगानगर से संवाददाता डीपी शर्मा और सरदार शहर से गजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अगर श्रीगंगानगर का रुख करना चाहे, डीपी शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में सर्दी अब लगातार बढ़ती ही जा रही है जहां कोहरा छाया रहता है, अब ऐसे में गंगानगर में किस तरीके से लोग सर्दी से बचने का जतन करते हुए नजर आ रहे हैं? नगर के अंदर जो पिछले 2 सप्ताह बाद फिर जो है बीती रात जो पारा है वो 6.9 डिग्री जो दर्ज किया गया, तो ऐसे के अंदर जो पिछले 2 हफ्ते जो है लगातार गर्मी के बढ़ने से काफी ज्यादा फसलों को नुकसान हुआ, साथ के साथ मौसमी बीमारियां भी यहाँ बढ़ने लगी। इस समय मैं आपको दीपिका बता दूं, जिस खेत के अंदर खड़ा हूँ ये सरसों का खेत है और यहाँ पर जो ये फसलें हैं वो गर्मी के चलते जो इनके जो दाने हैं ये देखो आप, ये जो फसलों के दाने बिल्कुल बारीक है, जबकि इस समय ये जो दाने ये काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। तो ऐसे के अंदर ये जैसे जैसे दिन में गर्मी पड़ती है तो इसके अंदर फसलों को पानी भी चाहिए। मेरे साथ एक दो किसान साथी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो काफी ज्यादा धुंध हुआ करती थी, सर्दी पड़ा करती थी, तो इस समय जो ये आप जो किसान है तो फसलों को लेकर के क्या करना है सर्दी का जो दिन जो इस दिन जो पड़ रही है उसको लेकर के? जी अजकल जी इको जहा मौसम चाहिए सी जी, ठंड होनी चाहिए दिने भी जी, ये रात दिने गर्मी होंगी है जी, रात नूं ठंड हो जाती, नुकसान दा बनिया खड़ा जी चक्कर। तो फसलों पर इसका कितना असर पड़ रहा है, जो जो ये सरसों की फसल है इसको लेकर के आप बता रहे हैं, पानी को कितने पानी अभी इसको दिए जाते थे और कितने पानी दे दिए अभी भी? 3 पानी ना पा दीजिए, पहले 4-5 पानी लगा चुके हैं जी, 2 पानी 3 होर लगनगे जी, तो गल पानी नहीं जी, नुकसान होगा सरों का। तो दीपिका ये जो किसान है ये मेरे साथ खड़े थे, इनका ये कहना था कि जो ये सरसों की फसल है, जो सर्दी की जो फसल है, ये 2 पानी से पक जाती थी और इन दिनों इन्होंने 3 से 4 पानी दे दिए और अभी 1-2 पानी और जरूरत है इसको। तो ऐसे अंदर कहीं ना कहीं जो ये मौसम का जो बदलाव है उसका फसलों पर भी काफी ज्यादा असर देखने को मिला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब आने वाले दिनों के अंदर सर्दी के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मौसमी बीमारी है उनसे ओपीडी के ऊपर भी जो काफी मरीजों की संख्या देखी जा रही है। जी दीपिका जी बिल्कुल, गजेंद्र आपके ओर रुख करना चाहेंगे, जहां एक और श्रीगंगानगर में देखा जा रहा है कि किस तरीके से मौसम ने करवट ली है और लोग किस तरीके से इस सर्दी से बचाव के लिए जतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं बात अगर सरदार शहर की करें तो सरदार शहर में किस तरीके का तापमान देखने को मिल रहा है?
दीपिका, मैं आपको बता दूं सरदार के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान है वो दिन की बात करें तो सुबह सुबह के तापमान की बात करें तो 1.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि धूप भी खिलती है, इसके चलते कहीं ना कहीं मौसमी बीमारी वो लगातार तहसील क्षेत्र में बढ़ रही है और ओपीडी की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वही जिस प्रकार से सहयोगी डीपी शर्मा बता रहे थे कि ओस नहीं पड़ने के चलते कहीं ना कहीं फसलों का नुकसान हुआ, तो ये भी सच्चाई है, फसल नुकसान हो रहा है फसलों को भी। इस समय ओस की बूंदे पड़नी शुरू हो जाती है जिसके चलते फसलों को काफी लाभ होता था, लेकिन ओस नहीं पड़ रही जिसके चलते फसलों का नुकसान हो रहा है और उतार चढ़ाव तापमान के चलते कहीं ना कहीं बीमारियां भी बढ़ रही है। जी जी बिल्कुल, वही एक बार फिर से श्रीगंगानगर का रुख करना चाहेंगे, डीपी शर्मा आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया कि लगातार फसलों में बदलाव देखने को मिल रहा है, अब ऐसे में मौसम भी बदल रहा है, मौसम के बदलाव के साथ साथ आमजन के खान पान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। जैसे जैसे मौसम का बदलाव हो रहा है तो ऐसे के अंदर आमजन का जो खान पान और पहनावा है वो भी बदलना लाजिब है, क्योंकि सर्दी का हर कोई जो अपना बचाव करता हुआ दिखता है, तो सर्दी के चलते मौसमी बीमारियां वो जो फैलने के डर से लोग बाग उन्हें पहनावा और खान पान में भी काफी ज्यादा जो अपना प्रभाव डाला है। हालांकि मैं बता दूं कि इन दिनों जो गंगानगर जिले के अंदर कोहरा जो दिन के अंदर धुंध छाई करती थी, आज बिल्कुल मौसम साफ पड़ा है और ये मेरे साथ मेरे पीछे भी आप देखते हो धूप खिल रही है। साथ ही मेरे साथ जो ये किसान साथी है खेत में काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई वैसा जो वस्त्र नहीं पहन रखा, साधारण जैसे गर्मी के दिनों के अंदर जो ड्रेसें पहनी जाती है, जो कपड़े पहने जाते हैं, उसी लिबास के अंदर ये किसान मेरे साथ खड़े हैं और ये दिन रात खेत के अंदर काम कर रहे हैं। तो ऐसे के अंदर सर्दी जो है वो इस बार काफी ज्यादा कम होने की वजह से फसलों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही मैं बता दूं गंगानगर के अंदर जो किन्नू और गाजर की खेती भी जो है वो होती है, तो ऐसे के अंदर इन दिनों जो किन्नू और जो गाजर है उनके अंदर काफी ज्यादा मिठास हो जाता है, लेकिन इस बार अभी तक वही कड़वाट है क्योंकि गर्मी है नहीं और ओस और धुंध नहीं गिर रही, कोहरे न होने की वजह से उनके अंदर भी अभी तक मिठास नहीं हुआ है। तो ऐसे के अंदर जो फसलें हैं, जो बागवान है, उन लोगों को भी काफी ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फसलों का सही हिसाब से भाव नहीं होगा तो उससे दाम नहीं मिलेंगे तो किसान वर्ग भी इसमें परेशान होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ जो है आमजन जीवन है, उन्होंने अपना लिबास पहनना और जो खाना है उसके अंदर जो अपनी दिनचर्या जरूर उसमें बदला हुआ है। जी दीपिका बिल्कुल, चलिए एक बार और सरदार शहर के रुख करेंगे, गजेंद्र आपसे जाना चाहेंगे, मौसमी बीमारियों की अगर बात की जाए तो सरदार शहर के स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में किस तरीके का मरीज देखने को मिल रहे हैं और बचाव के लिए क्या कुछ जतन यहाँ पर किए जा रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, जिस प्रकार से दिन और रात के तापमान में अंतर हो रहा है इसी के चलते कहीं ना कहीं लोग लापरवाही कर रहे हैं, उसका खामियाजा उन्हें अस्पताल जाकर भुगतना पड़ रहा है। खांसी बुखार जुकाम के मरीज लगातार अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं, हर घर के अंदर आपको एक मेडिकल स्टोर नजर आ जाएगा, क्योंकि लगातार बीमारियां का प्रकोप हर घर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। रात को लोग है वो लाभ का सहारा लेते हैं, तपते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन दिन के अंदर अच्छी खासी धूप खिलने के चलते कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास होता है, तो ऐसे में वो कपड़े नहीं पहन पाते, तो ऐसे में लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा वो बढ़ जाता है और बीमार लगातार होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो इस मौसम के चलते, मौसम परिवर्तन के चलते फसलों को भी नुकसान हो रहा है, जिसके और साथ ही साथ आमजन को भी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हालांकि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सर्दी वो और तेज पड़ेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो फसलों को लाभ होगा और आमजन को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम परिवर्तन हो रहा है कहीं ना कहीं ये एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। जी जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने साझा की। लगातार दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती ही जा रही है, अब ऐसे में आमजन के साथ साथ सर्दी फसलों पर भी प्रभाव डालती हुई नजर आ रही है, जहां पर एक और मौसमी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बात करें फसलों की तो फसलों में भी नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है।